शिवपुरी में प्रति मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में इरत लाल जाटा पुत्र पातिराम निवासी ग्राम अकाझिरी तहसील बदरवास ने अपनी फरियाद सुनाते हुए कहा कि वो विकलांग है जिस कारण वो काम नहीं कर पाता है, लेकिन उसे आज तक किसी भी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। अतः उसे जमीन का पट्टा दिलवाया जाए जिससे वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके। कलेक्टर मशरत से सरकारी योजना का कुछ लाभ मिल सके। मुझे 10 साल से रीढ़ की हड्डी टूटी है, 4 साल से मैं कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहा हूं, केवल आश्वासन मिल रहा है, उसके अलावा मुझे कोई आर्थिक सहायता ना कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। कोई ट्राइसिकल नहीं मिली सर मेरे लिए। तो आप क्या घर कैसे चल रहा है? घर सर भी कुछ नहीं, ऐसी गरीब मजदूरी बच्ची बीवी मजदूरी करने जाती है उससे घर चलता है। तुम चाहते क्या शासन से पत्नी के लिए कोई नौकरी मिल जाए आंगनबाड़ी में या सहायिका की या स्कूल में खाना बनाने के लिए, तो उसमें घर चल सकता है। आवास मिल जाए, झोपड़ी में निवास करता हूँ सर।